कोरोना महामारी को लेकर योगी सरकार गंभीर है, वहीं उनके अधिकारी भी निरंतर अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम दे रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को देने के लिए अधिकारी मंथन कर रहे हैं। रेहड़ी पटरी और अन्य लोगों को किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, इसी को लेकर संवाददाता राजकुमार चौधरी मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह से बातचीत की है, सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों रूट पर हैं, निश्चित तौर पर, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है, उससे किस तरीके से 22 करोड़ की आबादी को, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की आबादी को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सके। मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर के मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह के आवास पर। यहां पर तकरीबन 22 लाख से अधिक की आबादी इस जिले की है। इस जिले में तकरीबन 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। सरकार ने एक योजना चलाई है, उन योजनाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उनके आवास पर पहुँचे हैं, नेटवर्क टेंट इसकी तफ्तीश करने का प्रयास करेगा कि किस तरीके से इनको क्रियान्वित किया जा रहा है। इस समय अनिल कुमार सिंह साहब जूम के जरिए एक मीटिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, बाकी और भी जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारी निरंतर 24 घंटे इस कोरोना महामारी के दौरान काम कर रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं, वहीं उनके अधिकारी भी काम कर रहे हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में जो योजनाएँ चल रही हैं उनको किस तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने इस अल्पकाल में समय दिया है, और मेरा एक सीधा सवाल आपसे कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं और किस तरीके से यहाँ पे जनपद गौतम बुद्ध नगर में सरकार की जो योजनाएं हैं इस कोरोना काल में, उन्हें किस तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। ये इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड नियंत्रण में जनपद गौतम बुद्ध नगर में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। शासन से जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करते हैं, और उसमें काफ़ी हद तक हम लोगों ने नियंत्रण पाया भी है। अब इस स्थिति में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना रोजी रोटी, उनकी डेली जो कमाई है वह प्रभावित हो रही है। उसके दृष्टिगत सरकार ने निर्णय लिया है कि जो खोमचे वाले हैं, ठेले वाले हैं, ई रिक्शा चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, इस तरह के, उनको सभी को 1,000 रुपये दिया जाए। हम लोग उसकी भी तैयारी कर रहे हैं और शीघ्र ही उनके खाते में ये धनराशि अंतरित कर दी जाएगी। ये इसमें सिर्फ मुझे इतना ही कहना है कि सभी लोग एक तो उस पर अपना पूरा ध्यान दें कि कैसे कोविड का जो संक्रमण है कैसे हम लोगों को प्रभावित करता है। वो केवल एक ही व्यक्ति को नहीं प्रभावित करता है, पूरे परिवार को, पूरे समाज को, हर एक वर्ग को प्रभावित करता है, इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि इस समय कोरोना का संक्रमण काल है, ऑफिसर भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, इसी तरीके से हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करना चाहिए, तभी हम लोग इस अज्ञात शत्रु से बच पाएंगे। कैमरा पर्सन सतीश के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, ग्रेटर नोएडा।